मरीज का? रेनू टेलियानी। कहाँ के रहने वाले हैं? हम आगरा के। आगरा केदारनगर शाहगंज। शाहगंज जयपुर हाउस? नहीं सर, केदारनगर शाहगंज। शाहगंज एरिया जी। ठीक है, तो जब आए थे क्या क्या तकलीफ हो रही थी? काफी तकलीफ थी सर। आगरा के जितने भी डॉक्टर्स हैं सब बोल रहे थे डाइजेस्ट कराने के लिए। ठीक है, लेकिन हमने नेट पे सर्च किया जिसमें आपका नाम आया तो हमने आपसे कंसल्ट किया। इस टाइम हमारे मरीज को काफ़ी फायदा है। पहले चलने फिरने में भी दिक्कत आती थी लेकिन अभी वो नहीं है। खाने पीने में भी परेशानी होती थी, खाते थे तो पलटी आ जाती थी, लेकिन अभी आपकी कृपा से पेशेंट सही है स्वस्थ महसूस कर रहे हैं। काफ़ी स्वस्थ महसूस कर रहे हैं और आपका धन्यवाद हम करते हैं कि यहाँ जो भी पेशेंट आया हमने सबको सजेशन यही दिया है कर्मा आयुर्वेद में जाओगे फायदा होगा। और काफ़ी लोग आ भी रहे हैं और सबको फायदा हो रहा है। बहुत अच्छी बात है। ये रिपोर्ट इन्होंने कराई है साइंटिफिक पैथोलॉजी तो आगरा की बड़ी है ना? बड़ी है साहब, इसका नेट पे ही आता है सर, बहुत पेशेंट आते हैं। हाँ, क्रिएटिनिन इसका 7.01 है और 140.9 इनका यूरिया। और ये टेस्ट इन्होंने कराया 4 मई 2018 को। यूरिक एसिड 6.10। इन्होंने अभी एक लेटेस्ट टेस्ट कराया है, इसके अंदर क्रिएटिनिन घट के हो गया 5.99 और यूरिया हो गया 82.7, यूरिक एसिड हो गया 6, यूरिया लगभग घट के आधा हो चुका है। और क्रिएटिनिन जो पहले अपर ट्रेंड में चल रहा था, बढ़ता चला जा रहा था, उसके अंदर भी गिरावट दर्ज की गई, 5.99 हो चुका है और यूरिक एसिड में भी गिरावट है। दोनों टेस्ट जो हैं वो एक ही लैब्स की हैं, साइंटिफिक पैथोलॉजी, जो कि आगरा के अंदर बेस्ड है। वहाँ से ही इन्होंने अपने आसपास से ही टेस्ट कराए हैं, वहीं से इन्होंने जांच करा के यहाँ पे दिखाया। एक पेशेंट नहीं, एक रिपोर्ट नहीं, सैकड़ों हजारों पेशेंट, सैकड़ों हजारों रिपोर्ट्स, साइंटिफिक आधार पर किस प्रकार से इम्प्रूवमेंट आ रही है, साइंटिफिकली रिपोर्ट्स के आधार पर किस प्रकार से इम्प्रूवमेंट आ रही है, वो हर रिपोर्ट के अंदर से दोता हुआ कि किस किस प्रकार से किडनी का फंक्शन इम्प्रूव हो रहा है, किस किस प्रकार से क्रिएटिनिन यूरिया GFR इम्प्रूव हो रहा है, और किस प्रकार से किडनी के पेशेंट जो जूझ रहे हैं समस्या से वो इम्प्रूव कर रहे हैं। किडनी के पेशेंट की जो एक लाइफ होती है वो बड़ी ही निराश और हताश होती है, एक हेल्पलेसनेस होती है पेशेंट की आइज में, कि उनके लिए जो उपाय होते हैं वो थे डायलिसिस करा लिया या फिर ट्रांसप्लांट करा लिया। तो वो वाली सारी स्थिति से बाहर आते हुए और रिपोर्ट्स के आधार पर एक पॉजिटिव होप, एक उम्मीद की किरण दिखती हुई, क्रिएटिनिन यूरिया रिड्यूस होता हुआ, स्वास्थ्य लाभ होता हुआ, फिजिकल सिम्टम्स सबसाइड होते हुए, उसका आज एक और प्रत्यक्ष प्रमाण मेरे सामने, मिसेज रेनू के हस्बैंड। किस प्रकार से पहले वो समस्या से जूझ रही थी और अब जो है उनको इम्प्रूवमेंट्स आती हुई, और एक महीना में ही क्रिएटिनिन और यूरिया में चेंजेस और इम्प्रूवमेंट्स विजिबल होते हुए, सैकड़ों हजारों की संख्या में आज की डेट में रिपोर्ट्स हैं हमारे पास, किस किस प्रकार से इम्प्रूवमेंट्स आ रही हैं, किस किस प्रकार से स्वास्थ्य लाभ हो रहा है, न केवल भारत में बल्कि विश्व भर में पेशेंट्स को इस तकलीफ से कैसे निजात मिल रहा है, कैसे उनको फायदा मिल रहा है। स्टॉप किडनी डायलिसिस। आज देश में तेजी से बढ़ रही है किडनी फेलियर की समस्या। भारत की कुल आबादी में से लगभग 17% लोग किडनी की समस्या से परेशान हैं। हर साल लाखों लोगों को डायलिसिस या किडनी ट्रांसप्लांट से होकर गुजरना पड़ता है और लगभग 2 लाख लोग किडनी डिजीज के कारण अपनी जान गंवा बैठते हैं। क्या किडनी की इन समस्याओं का कोई इलाज है? अगर आप भी किडनी डायलिसिस पर हैं और बचना चाहते हैं इस पेनफुल प्रोसीजर से, तो आप भी डॉक्टर पुनीत धवन से संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है G20 NDM 1, प्लॉट नंबर B234, अपोजिट NIMS, नेताजी सुभाष प्लेस, पीतमपुरा, न्यू दिल्ली 110034। हमारे फोन नंबर्स हैं 09871712
2050 011-4264-4274। हमारी ईमेल आईडी है doctor@karmaayurveda.com। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.karmaayurveda.com पर लॉग ऑन भी कर सकते हैं।